जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं PNCA इस्लामाबाद में, जहां पे एक्ट ऑफ काइंडनेस की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत इवेंट काइंड फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। काइंड फेस्ट जो है वो हर साल होता है, ऑर्फनेज के बच्चों के लिए होता है, यतीम बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज होती है, फूड स्टॉल्स होते हैं और खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का म्यूजिक भी होता है। तो आज भी उसी तरह का इवेंट बहुत खूबसूरती से जारी है और सुनो FM रेडियो नेटवर्क जो है इस इवेंट का ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है। तो आइए आपको विजिट कराते हैं काइंड फेस्ट का। ये बहुत अच्छे इवेंट है और वेल ऑर्गेनाइज है, और साथ साथ में आप देखें तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त आप देखें तो यहाँ पे आई है, और मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा नौजवानों के बीच और इसका फायदा जो है उन लोगों को होगा जो इस वक्त ऑर्फन विलेज में है या ऑर्फन स्वीट होम में है, या इस तरह के लोग जिनको ब्लड की जरूरत है, जो अस्पतालों के बेड पे पड़े हैं, या वो लोग जिनको खाने की, जिनको पहनने की, जिनको जो है ओढ़ने की चीजों की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में ये पैगाम बड़ा खूबसूरत जाएगा। आज मैं आई हूँ काइंड फेस्ट के ऊपर, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, काइंड फेस्ट। ये इवेंट स्पेशली करवाया जा रहा है ऑफेंस के लिए, तो मेरा तो ख्याल इस किस्म के इवेंट्स को होना चाहिए। बाद में एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का जो एक चैरिटी कॉन्सर्ट इवेंट है उसे अटेंड करने आए हैं, और ये हर साल एक ऐसा इवेंट करते हैं, व्हिच इज बहुत बहुत जबरदस्त इवेंट है। और बेसिकली इसका मकसद सिर्फ ऑर्फन चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, उनकी जो है उनकी मदद करना है। जितना भी यहाँ से फंड इकट्ठे होते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं टिकट से, स्पॉन्सर से, वो सारे बच्चों पे जो है वो खर्च किए जाते हैं। चैरिटी है, ऑर्फन बच्चे खुश हो रहे हैं, तो दिस इज अ गुड, इट्स अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो एक्ट ऑफ काइंडनेस की तरफ से है, तो ऑब्वियसली इट्स रियली गुड। बेसिकली एक कार्निवल होते हैं ऑर्फन बच्चों के लिए, जिसमें हम मुख्तलिफ लेस प्रिविलेज्ड ऑर्फनेज से बच्चे बुलाते हैं, जो ऐसे बच्चे जो उनको चांस नहीं मिलता बाहर आने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट उनका नहीं होता, खेल कूद के मौके सरा उनको नहीं मिलते, तो हम उन्हीं बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं। आज भी हमने 400 से ज्यादा 7 डिफरेंट ऑर्फनेज के बच्चे बुलाए हैं, और उनके लिए कार्निवल का इनेकाद किया, उनके लिए फूड स्टॉल्स थे, लंच डिनर उनको प्रोवाइड किया, गिफ्ट उनको प्रोवाइड किए, गेम्स के उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया हमारे वॉलंटियर्स के साथ, एक तो उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरा ऐसे लोगों को हम अपनी इवेंट में बुलाते हैं कि वो उनके साथ कनेक्ट हों, और ये ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जिनकी इनकम खुद भी उनके एजुकेशन में, उनके ग्रोसरीज में या उन चीजों में सपोर्ट कर रहे होते हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर ज़रसांग, क्योंकि आई बिलीव हमारे पश्तो जुबान की अगर लता मंगेशकर हैं वो ज़रसांग हैं, उन्हें कभी भी इतना ज्यादा प्रमोट या उन्हें इस लेवल पे पहुंचाया नहीं गया, अगर उन्हें पहुंचाया जाता तो आज दुनिया उन्हें जानती। आई लव ज़रसांग, तो मैं उनके लिए स्पेशली आई हूँ।